आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोब्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। गोटाबाया राजपक्षे जो है वो रिज़ाइन करने वाले हैं। अब श्रीलंका में आगे क्या होगा, चलिए हम देखते हैं। रिज़ाइन कर देंगे, पहले मुझे भी लगा ये देश छोड़ के भाग गए। इनका सामान जो है वो नेवी में देखा गया कि एक शिप में जो है वो लोड हो रहा था, तो मुझे लगा ये भाई देश छोड़ के भाग ही जाएंगे, लेकिन ये भागे नहीं है, ये देश में ही है। अब जो रनिल विक्रम सिंघे हैं, ये प्राइम मिनिस्टर थे, और अब आगे क्या होगा श्रीलंका में ये देखने वाली बात रहेगी। श्रीलंकन जो पब्लिक है वो कह रही है कि हटो सब के सब, ये पूरी पॉलिटिक्स हटाओ, हम लोग अब सत्ता को लीड करेंगे, संविधान में संशोधन होगा, हमको चाहिए फुल इज्जत, अपुन को चाहिए फुल इज्जत, कॉन्स्टिट्यूशन को बदलो, नया संविधान लेके आओ। ये इसी संविधान के कारण जो है श्रीलंका बिक गया है। तो यहां पे गो गोटा गो के जो नारे लग रहे हैं, आज फाइनली गोटाबाया राजपक्षा जो है वो रिजाइन कर देंगे, अभी कुछ ही देर में रेजिग्नेशन उनका आ जाएगा। लेकिन बात यह है कि ये रिजाइन तो कर देंगे, पर्दे के पीछे कौन सरकार चला रहा है? होता क्या है कि कई बार जो राष्ट्रपति या प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर देते हैं, लेकिन अपने नुमाइंदों को ही आगे बैठा देते हैं। रनिल विक्रम सिंघे कहीं ना कहीं वो नुमाइंदे हैं, कैसे हैं हम बताएंगे, लेकिन फिलहाल प्रोटेस्टर्स ने बैंड बजा दी है। अब देखिए, आपने ये देखा ही कि किस तरीके से दो दिन पहले प्रोटेस्टर्स जो है वो घुस गए राष्ट्रपति भवन में, प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस को आग लगा दी, जो मिला उसको मारा। रिजाइन थोड़ी ना करते, ये रिजाइन करते ही नहीं, लेकिन इतना ज्यादा प्रेशर आ गया पब्लिक पे, अगर गोटाबाया राजपक्षा जो है वो जनता के हत्थे चढ़ जाते तो मार दिए जाते, गिरा गिरा के मारे जाते, यकीन मानिए। ये तो बच गए। कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम देखें क्या हो सकता है, तो देखिए अभी अगर बात करें तो देखिए, यहां श्रीलंका में जना जो मेन पावर है वो राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को है सबसे ज्यादा पावर, और राजपक्षा फैमिली जो है वो बहुत टाइम से लीड कर रही है भाई। 2005 से लेकर 2015 तक तो महिंदा राजपक्षे थे, फिर मैत्रीपाला सिरीसेना आए, और अभी फिर ये गोटाबाया राजपक्षा। तो ये भाई का जो जोड़ी है ना, राजपक्षे फैमिली है, यही श्रीलंका की सत्ता को लीड कर रहे हैं, और ज्यादातर जो सरकारी कंपनीज है वो इन्हीं के पास है, सब प्रॉफिट इनको जाता है। तो कब तक ये सब करोगे, एक ना एक दिन तो चढ़ोगे ना पब्लिक के हत्थे। अब देखिए, फर्क नहीं पड़ता कि डिक्टेटरशिप है, डेमोक्रेसी है, क्या है, फर्क पड़ता है कि जनता खुश है कि नहीं। अगर जनता खुश नहीं है तो वो आंदोलन करेगी। अब यहां पे भी इलेक्शन इलेक्ट होके ही आते थे, लेकिन स्टिल देखिए जनता का दिमाग खराब हो गया, बात यह है। तो अगर प्रेसिडेंट ऑफिस जो है, अब जैसे गोटाबाया राजपक्षा जो है वो प्रेसिडेंट नहीं रहेंगे, तो अगर कोई प्रेसिडेंट नहीं रहेगा श्रीलंका में, तो प्रधानमंत्री जो है उसको इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया जाता है जब तक इलेक्शन नहीं हो जाए। ठीक है, कायदे से तो इलेक्शन होने चाहिए भाई, श्रीलंका में जल्द से जल्द इलेक्शन कराओ। अब जो रनिल विक्रम सिंघे हैं, उन्होंने बोला कि भैया देखो, मई में आए थे वो, और उन्होंने दो महीने मांगे थे कि कुछ टाइम दे दो और उसके बाद हम इलेक्शन करवाएंगे, नई सरकार आएगी। लेकिन अभी तक रनिल विक्रम सिंघे ने रिजाइन ही नहीं दिया, तभी तो पब्लिक पगला गई, तभी तो पब्लिक का दिमाग खराब हो गया कि तुम विलन हो और तुम अभी तक जो है वो पद पे बैठे हुए हो, ये ना चाहिए, ये नहीं चलेगा। अब इलेक्शन जो है वही है, एक महीने के अंदर अंदर, जैसे ही जैसे अभी गोटाबाया राजपक्षा जाएंगे, प्राइम मिनिस्टर जो है वो इंटरिम प्रेसिडेंट बनेगा, एक महीने के अंदर अंदर जो है वो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे। देखिए, पावर जो है ना, पावर वो बहुत ज्यादा जरूरी होती है, और इसी पावर के कारण जो है गोटाबाया राजपक्षा जो है वो टिके हुए हैं। तो अगर आपको पावर के बारे में और बढ़िया तरीके से जानना है, वर्ड फॉर सेल ये एक शानदार किताब है, लेकिन अब आपको इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बुक समरी के फॉर्म में आपको मिल जाएगी। अब ये कहां मिलेगी? ये मिलेगी कुकू एफएम पे। कुकू एफएम की बात करें तो भारत का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है, 1000+ घंटे का कंटेंट, आत्मनिर्भर ऐप है भैया, घर पे ही बना हुआ है ये, 4.5+ रेटिंग्स दोस्तों, बहुत ही शानदार, ज्ञानी बनिए। इनका जो सब्सक्रिप्शन है आमतौर पे 399 का है, लेकिन अभी सेल चल रही है, शुरुआत के 250 यूजर्स के लिए एक्सक्लूसिव 50% ऑफ है। तो आपको कूपन कोड यूज करना है SGS50,
आपको ये 399 का सब्सक्रिप्शन 199 में मिलेगा, मतलब 199 में आप पूरे साल का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, जहां पे आपको बेस्ट सेलिंग किताबें, ढेरों ऑडियो बुक्स और बुक समरीज सुनने को मिलेगी, आप सुन सकते हैं। ठीक है, तो अब आपको महंगी महंगी किताबें खरीदने की जरूरत नहीं है, आप इसी प्लेटफॉर्म पे आइए। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप क्लिक करेंगे सीधा प्ले स्टोर पे डाउनलोड होंगे, मतलब प्ले स्टोर पे डायरेक्ट होंगे, वहां से आपको डाउनलोड करिए, कूपन कोड को अप्लाई करिए और मस्त बढ़िया तरीके से जो है अपने ज्ञान को बढ़ाइए। तो अब देखिए, श्रीलंका का जो पार्लियामेंट है वो 20 जुलाई को बैठेगा, नए प्रेसिडेंट को चुनाव होगा। आज जो है गोटाबाया राजपक्षा जो है वो क्या कहते हैं कि अपना रेजिग्नेशन दे देंगे। अब वही है कि रनिल विक्रम सिंघे जो है जिनको अपॉइंट किया गया था, उन्होंने बोला था कि मैं श्रीलंका को ये सारे प्रॉब्लम से उबार लूंगा। देखिए, मेन प्रॉब्लम है यहां पे फ्यूल क्राइसिस, फूड क्राइसिस और महंगाई, ये तीनों प्रॉब्लम श्रीलंका की बहुत बड़ी है, जिसकी वजह से श्रीलंका डूब गया है, समझ रहे हो। तो जो प्रोटेस्टर्स जो है वो लगातार टारगेट कर रहे थे, प्रोटेस्टर्स ने जो भी भाई जनता है वो एक टाइम पे चुप थे, लेकिन जब क्योंकि इन्होंने बोला था, रनिल विक्रम सिंघे ने बोला था कि भाई ऐसा है कि मैं कुछ ही दिन में इलेक्शन जो है वो करवा दूंगा, ठीक है, मैं सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व कर दूंगा, ये इन्होंने बोला था, लेकिन ये कुछ भी नहीं कर पाए। ऑपोजिशन ने इनको भर भर के क्रिटिसाइज किया, ये चीज हुई। अब उसके बाद बड़ी बात यह है कि विक्रम सिंघे क्या गोटाबाया को लीड करेंगे। देखिए, जैसा कि मैंने बताया, 9 जुलाई को ट्वीट आया था कि ही वुड रिजाइन एज अ पीएम, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ ऑन ऑल पार्टी गवर्नमेंट। पहले तो विक्रम सिंघे आए, विक्रम सिंघे ने बोला कि चलो ठीक है मैं रिजाइन कर दूंगा, 9 जुलाई को ही यह घटना हुई ना, लेकिन अभी तक इन्होंने रिजाइन नहीं किया है, ये अभी तक बैठे हुए हैं। दूसरा पॉइंट ये है कि आपको बता दूं कि रनिल विक्रम सिंघे जिस पार्टी से आता, यूएनपी पार्टी, उसका एक भी मेंबर इलेक्टेड नहीं है पार्लियामेंट में, आपको पता है, एक भी। तो और दूसरी चीज यह है कि गोटाबाया राजपक्षे की जो पार्टी है वो रनिल विक्रम सिंघे को सपोर्ट करती है, तो एक तरीके से रनिल विक्रम सिंघे भी गोटाबाया राजपक्षे के दोस्त हैं, यानी कि गोटाबाया चले भी जाए तो रनिल विक्रम सिंघे है, पर्दे के पीछे सरकार कोई और चला रहा है, इसीलिए ही लोगों का गुस्सा फूटा है कि हम एक ऐसा इंसान चाहते हैं जो गोटाबाया राजपक्षे से दूर दूर तक उसका कोई रिलेशन ना हो, समझ रहे हो। अब मान लीजिए कि अगर रनिल विक्रम सिंघे भी रिजाइन कर दे तो जो स्पीकर होगा ना वो राष्ट्रपति बनेगा। इफ विक्रम सिंघे इज स्टिल पीएम, राजपक्षा एक्चुअली रिजाइन, ही विल बी द प्रेसिडेंट। यानी कि अगर अभी रनिल विक्रम सिंघे ने रिजाइन नहीं किया है, गोटाबाया राजपक्षा भी रिजाइन कर देंगे तो रनिल विक्रम सिंघे प्रेसिडेंट हो जाएंगे, लेकिन रनिल विक्रम सिंघे ने भी रिजाइन कर दिया तो जो स्पीकर है वो इंटरिम प्रेसिडेंट बनेगा और एक महीने के अंदर अंदर इलेक्शन होंगे, समझे आप। तो ये अभी होगा श्रीलंका में। उसके बाद और किसके पास चांस है, सजीत प्रेमदासा, ये बढ़िया है। अब देखिए, समागी जन क्या लिखा हुआ है, बालवे गया, एसजेबी पार्टी के हैं ये, 225 सीटों में 50 एमपीज इनके हैं, मतलब 50 मेंबर्स जो हैं इनके हैं, तो सजीत प्रेमदासा जो है वो बन सकते हैं, अगले कैंडिडेट हो सकते हैं, यानी कि इनके पास भी सत्ता आ सकती है और लोग इनको थोड़ा सा सपोर्ट भी करते हैं। ओके, अब देखिए, ये श्रीलंका के प्रदर्शनकारों की डिमांड है। सबसे पहले तो नया संविधान बनाया जाए, जो मैंने आपको बताया ना, श्रीलंकन त्रस्त हो गए हैं, ये सब नहीं चलेगा भैया, हटाओ ये सबको, नए रूल्स लाओ, नए आर्टिकल्स लाओ, नए अमेंडमेंट्स, ये पूरा संविधान चेंज करो। राष्ट्रपति की शक्तियों को कम किया जाए, राष्ट्रपति सुप्रीम है, प्रेसिडेंट सुप्रीम है वहां पे, ठीक है, जैसे भारत में प्राइम मिनिस्टर के पास सबसे ज्यादा ताकत है, लेकिन वहां पे प्रेसिडेंट के पास सबसे ज्यादा ताकत है, उसको कम करो। देन पॉलिटिकल सिस्टम को लोग, इसका डेमोक्रेटाइजेशन हो, जो वहां का पॉलिटिकल सिस्टम है वो इतना क्लोज्ड है, जैसे चाइना का इतना ज्यादा हस्तक्षेप है श्रीलंका के पॉलिटिक्स में कि लोगों को पता नहीं है कि क्या श्रीलंका चाइना के साथ कर रहा है, चाइना ने पूरे श्रीलंका को खरीद लिया है, ये लोगों को पता ही नहीं था। तो भैया जो हो ट्रांसपेरेंट हो, सामने रखो, सामने रख के करो। इसी ये जो ओपेक सिस्टम है ना कि कुछ दिखता नहीं है, इसी की वजह से श्रीलंका ने इतना सारा कर्ज ले लिया, अगर पब्लिक को पता होता ना तो पहले ही प्रोटेस्ट हो गया होता। उसके बाद महिलाओं और बच्चों को अधिक सुरक्षा मिले, है क्राइम है वहां पे महिलाओं के प्रति, सभी पार्टियों को मिलाकर इंतरिम सरकार बनाई जाए, ये बड़ी बात है कि ऑल पार्टी गवर्नमेंट, यही तो बोला था रनिल विक्रम सिंघे ने कि मैं अपना पद छोड़ दूंगा और पार्टी गवर्नमेंट एक बनेगी, बट अभी वो मुश्किल लग रहा है, देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल आप देख सकते हैं ये हालत है अभी इस समय, 1 जुलाई 2021 को पिछले साल 155 रुपए
की कीमत थी एक किलो चावल की और अब 240 रुपए होगी। मतलब आप देख सकते हो ना, मछली की कीमत देखिए 350 रुपए 820 रुपए चली गई है। एक सेब 80 रुपए का मिलता था, अब यहां 200 रुपए का हो गया है। तो बहुत बुरी हालत है इस समय श्रीलंका की। फिलहाल आगे जो भी होगा हम आपको बताएंगे। और हमारा जो मेमोरी मैजिक का कोर्स है उसकी क्लासेस कल से शुरू होने वाली है। अगर आपको पॉलिटी के आर्टिकल्स याद करने में दिक्कत होती है तो अब आपको नहीं वो प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उसकी क्लासेस कल से शुरू होने वाली है। सेल कल फिर 12 बजे तक ही चलेगी, तो आप फटाक से कोर्सेज को अवेल करें। कुकू FM को जरूर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच।